नमस्कार दोस्तों गुरुजी प्लस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसीज में से एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गुरुजी प्लस के इन छः थ्रेड पर अराउंड सेवेंटी फाइव वीडियोज आ चुके हैं तो आप उन्हें व्यू कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम यूएन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे यूएन सिस्टम के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उन्हें हम देख चुके हैं छह प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, इनका वीडियो वन और टू में हम अध्ययन कर चुके हैं यूएन के स्पेशलाइज एजेंसीज़ में से यूनेस्को का हम अध्ययन कर चुके हैं वीडियो नंबर थ्री और फोर में ये वीडियो नंबर फाइव है और इसमें हम अध्ययन करेंगे एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद हम देखेंगे फंड्स एंड प्रोग्राम के बारे में यू के जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ है वो उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी यू आप इन सभी के नाम याद रखिए चलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं की फैक्ट्स देखते हैं इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका जो हेड क्वार्टर है इटली में स्थित है रोम शहर में डायरेक्टर जनरल का नाम है जोस ग्रेजियानो डिसल्वा आप इनका नाम याद रख सकते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो एफ ए ओ का जो मोटो है वो है लेड लेट देर बी ब्रेड आप इसकी इमेज भी यहाँ देख सकते हैं लेट देर बी ब्रेड मेंबर जो कंट्रीज है उसके 197 मेंबर स्टेट है एफ ए के तो आप ये फैक्ट साथ में याद कर सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं गोल क्या है एफ का क्यों बनाया गया है इसको टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लीड एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ एफ ए वर्क इन ओवर हंड्रेड एंड थर्टी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड तो इसका जो गोल है वो है कि वर्ल्ड की जो फूड सिक्योरिटी है उसको एंश्योर करना वर्ल्ड में जो है हाई क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड कराना ये करीब 130 कंट्री में इसका जो ऑपरेशन चालू रहता है इट आल्सो एम्स टू अचीव ए वर्ल्ड विदाउट हंगर माल माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी एंड हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इसका और ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड में जो है भूखमरी नहीं हो माल न्यूट्रिशन नहीं हो और पॉवर्टी नहीं हो इसके अलावा यो यू का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक जिसको अचीव करना है टू जीरो थ्री जीरो तक उसको फुलफ़िल करने में हेल्प कराता है सम इम्पोर्टेंट की प्रोग्राम्स ऑफ एफ ए आर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन ये तीन महत्वपूर्ण प्रोग्राम है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है एफ का कोडेक्स एलिमेंटेरियस है और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है ये चार ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण प्रोग्राम है इसके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एजेंसी टू फाइट हंगर बाय प्रोवाइडिंग फूड असिस्टेंट असिस्टेंस स्कूल मील एंड कैश ट्रांसफ़र कुल मेला के दुनिया में भूखमरी को फाइट करने के लिए जो है एफ जो है फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है स्कूलों में भोजन प्रोवाइड कराता है इसके अलावा कैश ट्रांसफर प्रोवाइड कराता है ताकि लोगों को खाना मिल सके ये एफ का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है एफ़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है इसके अलावा इंटरनेशनल प्लांट प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इनकी इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कैसे ये इट वॉज़ इस्टाब्लिश बाय एफ एंड डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्टाब्लिश किया था ये इट इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फूड स्टैंडर्ड को सेट करने की संस्था है ये आफ्टर इंडियाज विगरस एफर्ट्स इट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड थ्री कोडक्स स्टैंडर्ड फॉर ब्लैक वाइट एंड ग्रीन पेपर कमिन एंड थाइम टू बेंचमार्क ग्लोबर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड नाउ स्पाइसेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ दैट विल हैव यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यानी कि इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट किए ताकि कि जो इंडिया के जो पेपर है ब्लैक वाइट और ग्रीन पेपर है कमिंग और थाइम जो ये जो है इनका ग्लोबल बेंच मार्किंग होवे इनका ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सके आप, आप सभी को विजित होगा कि इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है केरल तमिलनाडु कर्नाटक ये वाला जो पोर्शन है स्पाइस ट्रेड के लिए जाना जाता है तो भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में जो है स्पाइस ट्रेड को के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो प्रयास किए थे उसे सफलता मिली है और ब्लैक वाइट और ग्रीन जो पेपर है उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हुआ है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के थ्रू तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आरएस प्रीलिम्स के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसके अलावा इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन आई पी आई पी पी सी इट एम्स टू प्रोटेक्ट प्लांट बाय प्रिवेंटिंग इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट यानी कि प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये कन्वेंशन काम में काम करता है इसके अलावा ग्लोब फिश इज़ ए यूनिट यूज बाय एफ ए फॉर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑन इंटरनेशनल फिश ट्रेड एंड मार्केट तो ग्लो फिश एक यूनिट है जो जिसको एफ यूज़ करता है फिश ट्रेड और मार्केट के इंफॉर्मेशन के लिए और एनालिसिस के लिए तो अगेन ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको याद रखना है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन काम करता है फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है और इंडिया को स्पाइसेस में यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है अभी अचीव हुआ है इसके थ्रू इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो है प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए है और ग्लो फिश एक यूनिट है एफ की जो फिश ट्रेड और मार्केट के इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए है इंडिया एंड एफ ए इंडियाज मेंबरशिप टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन वॉज रिसेंटली गिवन नोड यानी कि भारत जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबरशिप दी गई है 2020 और 2021 के लिए इसके अलावा इंडियाज़ एफर्ट टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इन 2023 बाय एफएओ यानी कि 2023 का जो वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा एफ़ के द्वारा और इसका इनिशिएटिव जो लिया था इंडिया ने लिया था उसे सफलता मिली है ये रिसेंट न्यूज़ थी इंडिया और एफ के बारे में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आप चैनल के और वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू